Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह कि विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। बेहद रोमांचक मैच में ये हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने अंत में पाकिस्तान को 4 विकेट से मात दी है। वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत। एक ऐसा मैच जिसमें लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के विकेट लगातार गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये मैच मुश्किल हो जाएगा। 4 विकेट जल्दी गिरे, लेकिन उसके बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला। न सिर्फ संभाला बल्कि आखिरी ओवर में जबरदस्त जीत भारत की यहां पर हुई है और उस हार का बदला भी भारत ने ले लिया। पिछली हार थी उसका बदला यहां पर भारत ने लिया और शानदार इस जीत के साथ सीधे हम आपको लिए चलते हैं मेलबर्न। विक्रांत गुप्ता हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। विक्रांत, ओवर टू यू। अरे सईद भाई, ओवर टू मी क्यों कर रहे हैं? अभी तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि जब मैं नीचे उतर के आया हूं मैदान से, होपलेस सिचुएशन थी कि आप जीत ही नहीं सकते थे। लेकिन इन 10-12 मिनट में जो ड्रामा हुआ, जो आखिर में देखिए फ्री हिट आ रही है, वाइड आ रही है और ये क्राउड अभी मतलब ये देवर स्टंट, लेकिन ये लोग अब आना शुरू हुए। मुझे लगता है कि अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे जो दर्शकों का हुजूम होगा। जी जी सर, पिक्चर तो बाद में ले लेंगे, पहले जीत की बात तो कर ले। पिक्चर के लिए सारी रात बाकी है, पहले जीत की बात कर ले। लेकिन इनक्रेडिबल, मतलब विराट कोहली ने मतलब आप लगा लीजिए लास्ट 15 मिनट में जिस तरह अपने आप को टाइम किया भाई, पहले ऐसे लग रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन एक इन्होंने पारी खेली थी, मुझे याद है क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप 2016, और एक ये पारी खेली है। एंड में भी ड्रामा पूरा रहा। और मुझे लग रहा है ये देखिए, ये पाकिस्तान के कई फैंस हैं, ये भी पाकिस्तान के हैं यार। मैच देखो, अनबिलीवेबल है ना, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। देखिए हार जीत किसी एक ही होनी है। मजा है यार, दिल ठीक है, इनकी प्रॉब्लम तो नहीं है। आइए आगे चलते हैं। देखिए आ रहे हैं, आपको दोनों तरह के तमाशाई जो है फैंस आपको दिखेंगे। इंडियन फैंस भी दिख रहे हैं, पाकिस्तानी फैंस भी दिख रहे हैं। जाहिर तौर पर एक गेंद का फासला था सईद, अगर आप देखें एक गेंद का फासला था, अगर वो एक गेंद इधर की उधर हो गई होती तो हालात कुछ भी हो सकते थे। लेकिन यार अब देखिए ना, आपका वर्ल्ड कप का कैंपेन वापस आ गया। आप ये लास्ट ओवर को निकाल दें, अगर आप इस मैच को हार जाते फिर वही बातें होती, फिर आपको अगला साउथ अफ्रीका वाला मैच इंपॉर्टेंट हो जाता। लेकिन अब इस जीत के साथ दबाव पाकिस्तान के ऊपर है। जबरदस्त खेले वो, 160 रन डिफेंड करने के लिए वो वहां तक मैच को ले आए थे। खुश है आप? कहाँ से खुश है भैया जी, हरा दिया आप लोगों ने। तो आपने कहा था अच्छा मैच होगा, आपने मैच से पहले दिवाली के लिए आपको मैच गिफ्ट कर दिया भाई। इन्होंने कहा कि दिवाली के लिए हमारे लिए गिफ्ट होगा, हमारी तरफ से तोहफा रख ले, तो इसको हम हैप्पी दिवाली माने। हाँ जी बिल्कुल, हैप्पी दिवाली। ये हैप्पी दिवाली है जी इनकी तरफ से। लेकिन honestly we all are huge fan of your support. मैं वापस मुड़ के आपको देख के लेकिन मैं एक बात है, आप सबके जितने पाकिस्तानी फैंस हैं, कल परसों से एक शख्स के बारे में आप सब लोग बात करते थे, वो थे विराट कोहली। यार विराट कोहली ने क्या बैटिंग की है यार, नेक्स्ट लेवल। नहीं है तो मतलब और भी नेक्स्ट लेवल पे चले गए। हाँ जी, नॉर्मल नहीं बनती थी वो, इतना आ गया था, नो बॉल बनती नहीं थी, वो इतना आ गया एम्पायर ने नो बॉल नहीं दी थी, फिर आपकी रिक्वेस्ट में दी, लेकिन वो नो बॉल थी। क्या पूछ रहे हैं ये तो बताएं, वो तो खुद बात कर रहे हैं भाई साहब। चलिए ठीक है, ये हमने आपको गिफ्ट दी है, हैप्पी दिवाली। नहीं नहीं, आप एशिया कप खेलने आए हमारी तरफ, ये हमारा गिफ्ट है ताकि आप। नहीं नहीं बड़े, यही होता है यार, एक टीम ने जीतना था, एक टीम ने नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर काफी सुना हुआ है, लेकिन मैं जाते हुए एक ही लाइन बोलूंगा पाकिस्तान के लिए, तुम जीतो या हारो मैं कुछ इंडियन फैंस है उनके पास आपको लेकर चलता हूँ। अच्छा मुझे लग रहा है अभी दिल ठीक है,
हां जी रुकिया तो नहीं सी? नहीं सर जी इधर देखो पसीने ਨਾਲ ਟਿੰਡ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਐ ਸਰ ਦੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਇੰਡੀਆ 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 ਚਲਿਏ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਆਗੇ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ जीत के वाले चुप थोड़ी करेगा विराट कोहली के बारे में बोलिए विराट कोहली बहुत अच्छा कर दिया बॉय इज अ किंग कोहली किंग कोहली किंग कोहली ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं किंग कोहली इंडिया ग्रेटेस्ट एवर वाह इंडिया कोहली चंगा खेले और गुड ब्रदर यू गुड ब्रदर भाई खुश है हमारा वेरी गुड वो आपके 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 ठाकुर जी को जल्दी हैप्पी दिवाली उन्होंने गिफ्ट दिया हमें जी जी है बहुत ही टफ मैच था मजा आया चलिए इनकी जिंदाबाद विराट कोहली आपके जितने फैंस थे पाकिस्तान के शुरू से एक चीज कह रहे थे कि विराट कोहली एंड अल्टीमेटली एक्चुअली विराट कोहली वॉज अ टर्निंग पॉइंट चलो वेरी गुड So we can win the match in the finals. Oh, that's the spirit. I like it. Sir, picture ठीक है. Picture तो मैं live को show कर लूँ. और मेरी salary कट जानी है. और मैंने salary कट लेनी है मेरी. आइए आइए हिमांशु इधर आइए. आते हैं जहाँ कहीं जाएं. जी बोलिए. हुक्म कीजिए ना यार. बहुत अच्छा मैच हुआ है. हाँ. और हमारे टिकट के पैसे पूरे हो गए हैं इंडिया अच्छा, ने बहुत अच्छा खेला है नो डाउट और अच्छा, ये दुआ कर रहे थे कि कोहली परफॉर्म करे पर पाकिस्तान जीते तो ये भी तो हो सकता है इंडिया पाकिस्तान दोनों आगे जाएं यहाँ से ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा मुझे अभी तक इंडियन फैंस नहीं नजर आए हैं पता नहीं क्या अंदर जश्न मनाया जाए इंडिया 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 बहुत बढ़िया खेला है विराट के ऊपर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा कह रहा है विराट इज विराट इज ऑलवेज विराट इज विराट हिमांशु अब इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंच जाना चाहिए पहुंचना चाहिए लेकिन हाँ जी यार जीत लगी रहती है लेकिन आई लव कोहली यार यार बड़ा मजा आ गया यार यार बहुत मजा आया हम पाकिस्तान से आए बल्कि मैं स्कॉटलैंड से आया हूँ सीधा अप्लाई करके यहाँ पे कोहली के बारे में कोहली किंग है यार कोई बट मजा आ गया इट वाज ब्यूटीफुल गेम बहुत मजा आया पैसा पूरा हो गया इससे तगड़ा मैच नहीं हो सकता बिल्कुल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मैं ये 15 लोगों से पूछ चुका हूँ आपके दिल की धड़कने ठीक है बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है एक स्टेज पे लग रहा था कि नॉर्मल नहीं है एक बार तो ऐसे हो गया था हार्ट अटैक होगा मरेंगे दो बॉलों में तो मैच हार गया था इंडिया बिल्कुल पर विराट कोहली ने और जो नवाज ने जो नो बॉल रियल किंग किंग कोहली पाकिस्तान ऑलवेज बेटर What a match. What a match, yeah. What a match. What a match. मुझे बहुत मजा आया आप बताइए बहुत मजा आया है ना विराट ने जिताया लेकिन ये मैच कोहली इट वॉज अ कम्प्लीट नेल बाइटर बट बेस्ट एवर गेम आई वॉच्ड इन लाइव इन स्टेडियम बेस्ट एवर मैच तो याद मिलेंगे जरूर अरे यार यही है हम यही है आप कहाँ जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं आपका साल बहुत मुबारक हो तो हैप्पी दिवाली होगी हमारे इंडिया में क्यों नहीं आप आज के मैच में ये हुआ कि रूह खुश हो गई है दिल को अरे वाह 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 यार थोड़े इंडियन फैंस आ रहे हैं क्यों फिर क्या हो गया यार इधर आओ ये देखो क्या क्या प्रॉब्लम है नहीं 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 बहुत अच्छा बहुत बड़ा मजा आया आई रियली अप्रिशिएट बस ऐसे साडे बंदे थोड़ा डर जाते हैं कभी कभी कोई नहीं यार तुम्हारे बंदे चंगा खेले हैं साडे बंदे भी जीत गए और देखो साडा बंदा आया बहुत बढ़िया मैच भाजी लगता नहीं सी कि के इंडिया जीतेगी बट स्टिल विराट कोहली मैं कह रहा सी इस तरह नहीं हो सकता कि विराट कोहली क्रीज से होए तो इंडिया मैच हार जाए वाह यार क्या बात किया यार नहीं हो सकता इमरान है पाकिस्तान से हमने पाकिस्तानी कौम की तरफ से मैं पूरे इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूं मजा आ गया हैप्पी दिवाली दिवाली की तरफ से तोहफा है ये पाकिस्तान की तरफ से वेरी गुड यार मैंने आपको मैच से पहले भी सईद भाई कह रहा था ना कि अरसे बाद कोई ऐसा मैच इंडिया पाकिस्तान का कवर करने आए जहां पे ना एक्चुअली दो तीन दिन से बिल्डअप भी मैं यहां पे था पाकिस्तान के फैंस इंडिया के फैंस
मैंने एक बार भी ऐसा कुछ, वो कहते ना कि वो आपस में कोई नोक झोंक हुई हो, इनफैक्ट आई वॉज सरप्राइज्ड, पाकिस्तानी फैंस शुरू से कह रहे थे जी विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली, और अल्टीमेटली हाँ जी इंडिया वन द मैच तो हमें पता है, लेकिन नहीं नहीं हाँ एक स्टेज पे निकल गया था, बट लास्ट ओवर वाज फैंटास्टिक, और हमारा तो देख लो चिक चिक के गला बैठ गया, वी हैड फन। अभी जाके आप गर्म पानी पीजिए क्योंकि और भी मैच बाकी है। बिल्कुल इंडिया इंडिया मैं आस्किंग यू वाज इट रियली अ नो बॉल आई थिंक सो स्पिनर्स डोंट डू इट आई डोंट थिंक दैट वाज अ नो बॉल मैं अंपायर रही हूं आई मीन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ बैट्समैन क्या हाल है देखो जी ये हमारे पाकिस्तान के फैन हैं ये सुबह से कह रहे थे के विराट कोहली मैं सबको वही कही जा रहा हूँ यार आपने एक्यूरेट प्रेडिक्शन की थी आपने बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शन की थी बड़े एक अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए लेकिन आप क्या समझते हो कि हमारा मैच आज कैसा हुआ जो मैच होना चाहिए ना दो शेरों का आपने सुबह पूछा था मैंने कहा 50-50 चुंज भी अगे नहीं है ठीक है वही हुआ मैच लेकिन यहाँ पे आप पाकिस्तान को क्या कहते हो पाकिस्तान को आप क्या कहोगे कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला ठीक है मैच बनाया ना उन्होंने मैच बनाया और लड़े मैं कहता हूँ पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूंगा मैं वो 160 तक आए उन्होंने आउट और ये बता दें एंड में ये बता दें कि लास्ट बॉल तक गलती इंडिया वॉज जस्ट 1% India was just 1% better than Pakistan. Kohli was the difference. But remember, Pakistan zindabad tha hai aur rahega. And that was not a no ball. बोलने की बात हो जाती है और ये सारी चीजें तो अभी होंगी ही कि पाकिस्तान इन सवालों को उठाएगा कि क्या वो नोबॉल वाकई था जी हाँ वाकई था क्योंकि आज की तारीख में टीवी देखकर ये तय किया जाता है एक अंपायर नहीं दो अंपायर नहीं बल्कि एक अतिरिक्त अंपायर जो कि सारी चीजों पर नजर रखते हैं लेकिन बड़ी बात यह कि भारत ने यह मैच जीत लिया है एक जीत के साथ शुरुआत हुई है वर्ल्ड कप की जिसकी जरूरत हमें थी बिल्कुल और जिस तरीके से खेले विराट कोहली पूरी टीम को शुभकामनाएं आपने देखा होगा कि छोटी दिवाली है जो बम विराट कोहली जो एकदम रॉकेट की तरह उड़ाया है ना पाकिस्तान को तो बड़ा मजा है जिस तरह अंदाज में तीन रॉकेट उड़ाए और मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से काम एंड कंपोज बैटिंग किया और तारीफ करने की हार्दिक पांड्या की जिस तरीके से जो क्रूशियल पार्टनरशिप करी वो क्योंकि ड्यू था उनको हराना क्योंकि हम बात ही कर रहे थे शो में और छोटी दिवाली क्या तोहफा दिया इंडियन टीम ने बहुत मुबारक छोटी दिवाली में बड़ी दिवाली मन गई हमारी और विक्रांत वहां पर दिखा रहे थे कि कैसे वो गला उनका चीख चीख कर वो हो गया तो मेरा गला तो आप लोग देख ही लीजिए और पहली बार मैं स्टूडियो पहुंचने में लेट हुई हूं क्योंकि कुर्सी छोड़ने की अनुमति नहीं थी रैना की तरफ से कि नहीं यहां से हटना नहीं है हमारे हटते ही विकेट गिर रहे हैं तो हम लोग बैठ कर जितवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे अच्छा कि आप लेट आए वहां टर्शन लगा के आप ताकि आप मैच वहां से जिता के आप यहां आए आप लेट अरे लास्ट बॉल मैंने कहा कि लास्ट बॉल तो उठ जाते नहीं क्या पता सुपर ओवर में चला जाए लेकिन ऐसा ही रोमांच था हाँ बहुत बड़ा अच्छा मैच भारतीय टीम ने जीता मुबारक बहुत बहुत और देखिए वर्ल्ड कप शुरुआत हुई है पर इस मैच से हमने सीखा भी बड़ा कुछ है ये चैंपियन टीम अब ऐसा लग रहा है कि जब आप सीखते हैं ना ऐसा मैच खेलते हैं जीतते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ हमारी टीम वहां पे है जहां पे चैंपियनशिप जीत सकती है पर जैसे सुरेश ने कहा विराट कोहली जो आपके साथ में विराट कोहली का दे रहे हैं जो 82 रन उन्होंने बनाए और जिस तरीके से बनाए हैं मदन जी वो देखना होगा देखिए एज अ फैन कई बार आप अपना कूल भी लूज कर देते हैं मैंने भी जब देखा कि 12 रन उन्होंने बनाए हैं 21 गेंदों पर मैंने कहा ये क्या वो होता है आप विराट कोहली हैं लेकिन फिर खिलाड़ी तो खिलाड़ी है खिलाड़ी अपना पेस आउट कर रहा है उसको देखो श्रोता होता क्या है कि जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो उसके माइंड में गेम प्लान चल रहा है तो और ये ग्रेट प्लेयर की निशानी है भी जैसे हार्दिक पांड्या और इन्होंने गेम को पेस अप किया है मैंने ऐसा मैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं या तो आप पैनिक में हिट कर देते हो स्कोर का एवरेज गिराने के लिए या फिर आप गेम को चलाना जो है वो बड़ा जरूरी होता है ये ही एक निशानी है जो ग्रेट प्लेयर होते हैं मैच को जिताते हैं नहीं बिल्कुल और जो दो छक्के मारे ना असद को रॉफ को जिस तरीके से वो वेट किया बैकफुट पे जो स्क्रीन पे छक्का मारा फिर जो बॉल उनकी टांग पे जो छक्का मारा तो बड़े काम एंड बड़े कंपोज ऐसे चेहरे पे लग रहा था कि ये वीरता की निशानी है विराट कोहली जिस तरीके से काम एंड कंपोज और देश की वो पता है सबसे पहले सबको मुबारकबाद हमारे देश में हिंदुस्तान में जितनी दुआएं मिली लोगों को पूरी हिंदुस्तान ने टीम के लिए यज्ञ किए पूजा करे और छोटी दिवाली में जो तोहफा मिला है ना तो दिल्ली में भी देख लेते हैं ना ये सारे फैंस पहले भी नितिन के साथ थे और अब भी हैं नितिन ये तो
मतलब मुझे लग रहा था कि शायद मैं आपके पास आऊंगी सवाल के साथ, तब लोग ढोल बजाएंगे नाचेंगे, पहले से नाच रहे हैं सब। मैं आपको बताऊं, जब मैच आखिरी ओवर में पहुंचा था उस वक्त से ही यहां पर जो है भले सांसें थोड़ी सी थम रही थी, थोड़ा सा जो है एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा था, लेकिन जो जश्न है वो उस आखिरी ओवर से शुरू हो गया था। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां पूरी थी, इन्हें पूरा यकीन था फैंस को कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जरूर जीतेगी। क्लोज गया मुकाबला, लेकिन भारतीय टीम ने जिस तरीके से मुकाबला जीता है उसकी झलक यहां पर आपको साफ नजर आ रही है इन फैंस के एनर्जी के जरिए। और ये फैंस सुबह से यही कह रहे थे कि भारतीय टीम की जीत हम दिवाली मनाएंगे, और ये दिवाली का मौका इन फैंस को मिल गया है। दिवाली मन गई, अब दिवाली मन गई थी भाई, और हिंदुस्तान की टीम ने ये प्रूव कर दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। आज इस छोटी दिवाली पर इतना बड़ा मैच जीत कर बड़ी दिवाली मना दी हिंदुस्तान ने। इंडिया, ये धोनी, ये कोहली ने हमें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है पूरे भारत के लिए, हम कोहली का धन्यवाद करते हैं। ये दिवाली सालों साल तक याद रखी जाएगी हिंदुस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानियों को भी। ये कोहली की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग होगी, 45 रन 10 ओवर्स में थे, उसके बाद 20 ओवर्स में 160 चेस करना इम्पॉसिबल था। सांसें तो आपकी भी चढ़ गई होंगी, सांसें तो आपकी भी चढ़ी होंगी, ऊपर था भाई बीपी ऊपर था, लेकिन जो लास्ट ओवर तक और जो विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने इनिंग खेली है, इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। ये वन ऑफ द बेस्ट मैच है इस वर्ल्ड कप का, मैं बता दूं इससे अच्छा मैच कोई नहीं हो सकता। और ये जो विराट कोहली है इस सबका किंग है, किंग किंग कोहली। आज के लिए तो बस लव यू कोहली, दादा की एक ही लाइन याद आ रही है, अपना बच्चा बिड़ू तो अपना बच्चा। देख सकते हैं यहाँ पर फैंस जो है किस तरीके से भारतीय टीम की जीत की खुशी मना रहे हैं, और पूरा यकीन था इन फैंस को कि भारतीय टीम आज जीत से कुछ भी नहीं चाहेगी और दिवाली मनेगी भारत में। अब वाकई नितिन, जो हम बोल रहे थे ना कि दिवाली में आतिशबाजी की पाबंदी रहती है, तो अब दिल्ली के लड़के ने जाकर आतिशबाजी कराई है वहां पर मेलबर्न में, और क्या चाहिए था किसी को। अयोध्या के दीपोत्सव की भी तस्वीरें साथ साथ में हम आपको दिखा रहे हैं, जो अब एक तो डर भी लग रहा था ना कि पता नहीं क्या नतीजा हो जाए तो ये रौनक कैसी रहे, लेकिन देख ले मुझे तो लग रहा है कि दीपक आज और जगमगा रहे हैं, आज और ज्यादा जगमगाहट नजर आ रही है। विक्रांत, आपको आवाज आ रही है? ये देखिए दीपावली में वहां पर आज 17 लाख का रिकॉर्ड बन रहा है, यहां पर इंडियन टीम दनादन रन बना रही थी, उधर वहां पर रिकॉर्ड बन रहा है अयोध्या में, और अयोध्या की वो तस्वीर है। विक्रांत, आवाज आ रही है आपको? आपका पेज फॉलो किया स्पोर्ट्स भाई, स्पोर्ट्स तक विक्रांत आवाज आ रही है? एक मिनट, एक चीज, हां बोलो, इंडिया। चलिए इंडियन फैंस आ गए आखिरकार। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी श्वेता, आप कुछ पूछ रही हैं? हाँ नहीं, मैंने कहा कि इंडियन फैंस आ गए आखिरकार, मुबारक हो। मुझे लग रहा है कि आखिर तक इंडियन फैंस अंदर बैठे हुए थे ताकि वो देख पाए प्रेजेंटेशन तक। श्वेता श्वेता, ये तो बड़ा रेयर है कि इंडियन फैंस तो ठीक है, पाकिस्तानी फैंस जो है इंडिया की जीत का जश्न मना रहे हैं, मतलब छोटे, अरे बच्चे को चोट ना लग जाए, मैं आपको चोट ना लग जाए, आप बताइए जी। अच्छा, कैसे हो रहा है? अरे सेल्फी तो ठीक है, आपकी नजर में पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर कौन था आज? अच्छा, कौन था? नहीं, आपकी नजर में कौन था? मेरे हिसाब की बड़ी तगड़ी टीम है, सारे लड़के। नहीं नहीं, मैन ऑफ द मैच कौन था? कौन था? विराट कोहली और पाकिस्तान में वो लास्ट बॉलर। चलो चलो, अरे भाई मैं काम को कर लूं थोड़ा भाई, उसको छोड़ यार, क्या कर रहे हो यार, एक बार ले ले यार भाई, हम हां चलो 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 भाई, कर लो कर लो। चलिए विक्रांत, लौटेंगे आपके पास, लेकिन यहां पर जी विक्रांत आवाज आ रही है आपको? चलिए ना, अभी तो मुझे लगता है वो सेल्फीज में ही फंसेंगे विक्रांत। लेकिन हम कुछ ही देर में वो सारी तस्वीरें भी दिखाते हैं कि कैसे इंडियन टीम ने जीत हासिल की थी कुछ देर के लिए। मतलब कुछ चीजें होती हैं जो सबक के तौर पर भी आपके पास एक जीत के बाद छूट जाती है, और मुझे लगता है कि जो ऋषभ पंत को लेकर हम यहां पर चर्चा कर रहे थे वो बात सही है, आपको ऋषभ पंत में इन्वेस्ट करना होगा, बहुत सारे कारण है इसके लिए। नहीं बिल्कुल, और जैसे मदीपा से बात चल रही थी बीच में, लेफ्टी का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए शादाब ने 3 ओवर डाले, सिर्फ 14 रन हाँ। उसके अब देखो कि नवाज है, अक्षर पटेल को अक्षर है, लेकिन वो विराट का गलत कॉल से रन आउट हुए, ऋषभ पंत प्रॉपर बैटर है वो, उनको पता है कि कैसे छक्के मारने, कैसे पेस यूज करना है, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए हैं, पहले बड़े बड़े ट्रॉफी में रन बनाए हैं, और आईपीएल में कप्तानी करते हैं, उनको प्रेशर का
एक फील आना जरूरी है। लेकिन जो ये मैच इंडिया जीती है, मुझे लगता है विराट ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, लेकिन कहीं ना कहीं बाबर आजम की बहुत ही खराब कप्तानी, नवाज का लास्ट ओवर डलाना मुझे नहीं लगा कि वो एक अनुमन ठीक रीजन रहा उसका, कि शायद उसके आगे जरूरत ही ना पड़े नवाज की। बिल्कुल, जिस तरीके से बैटिंग किया मुझे लगा काफी एक्सपीरियंस कैप्टन है, फास्ट बॉलर उनका अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, तो बीच में ही खत्म करना था। जिस तरह से आपने बोला, पजी ने बोला कि जो बैटिंग हो रही थी हार्दिक पांड्या ने काफी प्रेशर ऑफ किया विराट से, 21 बॉल पे 12 रन उसके बाद 82 रन, तो दर्शाता है कि कितना अच्छा माइंड सेट है। पता चलता है कि बड़े मैच के क्यों बड़े इतने बड़े प्लेयर रहे हैं वो, तो बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ऋषभ पंत का होना बहुत जरूरी आने वाले मैचेस में। अब नवाज जब बॉलिंग करने आए थे ना, मेरे को ये आशा जरूर हो चुकी कि भारतीय टीम जो है मैच जीत सकती है। अब बदलेगा पूरा, हाँ पूरा मैच बदलेगा, क्योंकि देखिए स्पिनर को कभी कोई भी कैप्टन, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कितने मैचेस हमने देखे, मैंने कभी बहुत कम देखा। या तो ये स्पिनर को तब कराते हैं जब 36 रन चाहिए, 25 रन चाहिए, ऐसे ऐसे 10 ओवर में रनों को देखकर उस समय तो पूरा डाउट था कि आगे क्या होगा। बाबर आजम ने तोहफा दिया दिवाली का हिंदुस्तान और एक विराट की पता क्या खासे एक और रखे, ये देखिए गेम जो उसने मारा है शॉट्स, और ये जो जो आपने अभी जो एक्सप्लेन किया था, और उसका उसके देखिए कॉन्फिडेंस लेवल, ये दिल्ली में आपने बड़ी क्रिकेट खेली है, दिल्ली में पहले जब क्रिकेट खेलते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं, हाँ तो उनको पता होता है कि गेम को कैसे चलाना होता है, चालू क्रिकेट की, चालू क्रिकेट, बिल्कुल सही कहा आपने नितिन। ये सब तिरंगों का जश्न भी मन रहा है अब, बिल्कुल तिरंगों का जश्न मन रहा है, और यहाँ पर जो खुशी है ना जीत के बाद वो एक अलग लेवल पर है, क्योंकि इनको जीत से कम कुछ नहीं चाहिए था। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हो या भारत, जिस तरीके से आज ये मैच खत्म हुआ है, मैच ना जाए। और मैं आपको खास बात बताऊं, यहाँ पर दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाना तक नहीं खाया, तो एक ये बड़ी चीज है। लेकिन भारतीय तिरंगा जिस तरीके से यहाँ पर लहरा रहा है वो बिल्कुल भारत की इस जीत का प्रतीक है, और देशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा है दिवाली के पहले। तो मैं मैं इनसे बात करूंगा, क्योंकि जब आपने बात की, आपने बोला कि जी मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, इसकी क्या वजह थी, क्यों नहीं खाना खा रहे थे आप? इंडिया अगर आज हार जाता तो खाना हजम नहीं होता, और जो चीज़ हजम नहीं होती वो हम खाते नहीं। और अब ये डबल खाएंगे, अब हम डबल खाएंगे, और विराट कोहली लिविंग लेजेंड है, हमारा प्रिविलेज है, पूरी दुनिया का प्रिविलेज है कि उसे अपनी आंखों से देखा जा रहा है। ही इज़ अ लेजेंड, प्लीज वोट फॉर हिम, ही इज नॉट द बेस्ट, ही इज ऑल टाइम गोट, ही इज ग्रेटेस्ट। ब्रिंग अस द वर्ल्ड कप दिस टाइम, वी आर गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप दिस टाइम। आज छोटी दिवाली है, हमने पाकिस्तान को हराया है, और अभी दिवाली आनी है जब हम वर्ल्ड कप उठाएंगे। और हमारी दिवाली आज ही से स्टार्ट हो गई है, और हम तो जश्न लगता है नॉनस्टॉप रात भर चलने वाला है, और पूरे वर्ल्ड कप के लिए तो तैयारी हो गई है। मैच बहुत होते हैं, जीत बहुत होती है, लेकिन अगर वर्ल्ड कप के एक मैच में, और किसी ऐसे मैच में नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ऐसा परफॉर्मेंस हो जाता है, तो वाकई उसके बाद उसे भूलना इम्पॉसिबल हो जाता है, बार बार कोट किया जाएगा इसे। बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली के दिन तोहफा मिला है, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने परफॉर्मेंस किया है दर्शाता है कि हमारी टीम का माइंडसेट कितना अच्छा है, और चारों तरफ से उनको बेस्ट विशेष आ रही है, जो आपकी जितने संवाददाता हर जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए कितनी खुशी लाता है यह गेम, कितनी खुशहाली लाता है, कितना यूनिटी आगे बढ़ाता है, कि एंड ऑफ द डे एक स्पोर्ट है, क्योंकि उनकी टीम जीती है तो उनके शहरों में भी वैसे होता है, लेकिन हमारे इस हिंदुस्तान में इस खेल को पूजा जाता है, वो दिखाता है लड़को दिवाली पे किस तरीके से जश्न होगा। अब आप दिवाली देखिएगा कल, आज और कल कितनी भयंकर होने वाली है। लोग तो सोच रहे होंगे अभी तक बहुत तरह के पटाखे मिले हैं, अभी तक किंग कोहली का पटाखा नहीं मिला है, लेकिन बना दिया होगा कहीं ना कहीं, किसी ने जल्दी से बना ही दिया होगा। देखिए ये आईसीसी का ट्वीट है, आईसीसी ने ये तस्वीर ट्वीट की है विराट कोहली की, और लिखा है इस पर किंग इज बैक। या किंग इज बैक, आफ्टर 100 किंग इज बैक, 100 बनाया था ना एक, हां हां, उसके बाद तो 100 से भी बड़ा होता है ना, बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, मतलब आपको ना एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि आई कैन डू इट अगेन, दैट कॉन्फिडेंस रिक्वायर्स एन एब्सोल्यूट, और स्पेशली इन दिस सच ए बिग स्टेज जहां पे बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड वो बॉलिंग कर रहा है, तो आप रन बना रहे हैं, इससे बढ़िया कोई स्टेज हो नहीं सकती, और इससे बढ़िया कोई आपको कॉन्फिडेंस मिल नहीं सकता, और इससे बड़ी जीत हो नहीं सकी। जब पाकिस्तान को हराते हैं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। आपने जैसे कहा ना, ये हर बार कोर्ट होगा, दिवाली वाला दिन और मैच हमने जीता। सही बात है, ये वाकई कोर्ट होगा, और इस तरह की एक इनिंग्स
क्या मायने रखती है एक बैट्समैन के लिए? बहुत बड़ी मायने रखती है, जिस तरीके से टाइम लिया उन्होंने, दूसरे छोर से देखे कि रोहित आउट हुआ, केएल राहुल आउट हुआ, उसके बाद सूर्य कुमार ने दो तीन शॉट अच्छे खेले आउट हुआ, तो वो एक ठहराव आता है बैट्समैन की, उनको इनिंग पेस करनी है। आपको छह से देखिए 13 ओवर में दो दो रन लिए, जो हम बात कर रहे थे बड़ा ग्राउंड है, वो छक्के भी 90-90 मीटर मारे। आपको याद है जब एक बार हम इंडियन आर्मी के साथ शूट करते हुए आपके साथ हम पहुंचे थे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जी जी, तो वहां पर जितने सैनिक थे उन सबको आपका वो इनिंग्स याद था जिसमें आपने ताबड़तोड़ बैटिंग करके हराया था उनको, जी जी, वर्ल्ड कप और सब कोट कर रहे थे आपके सामने, बिल्कुल। तो वही वही मायने होता है कि हर एक व्यक्ति को याद रह जाता है। बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान का गेम इसलिए बोलते हैं कि बड़ा होता है क्योंकि बॉर्डर पे हमारे 24 घंटे वो हमारा रखवाली करते हैं और उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसे पाजी ने बोला था वो असली हीरो हैं, असली हीरो, और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, विराट कोहली बहुत बड़ी बात है, कोई हो ही नहीं सकता। और वो हार्दिक की भी तारीफ करनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने 3 विकेट लिए, क्योंकि वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, गुजरात के लिए आईपीएल जीते और रिसेंटली 12 महीने में देखिए कितना अच्छा उनका माइंडसेट है, किस तरीके से कंपोज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और जो बैटिंग करी 40 रन जो पार्टनरशिप है वो विराट का माइंडसेट भी थे, विकेट पार्टनरशिप हुई है, बिल्कुल, और अच्छा उस क्रूशियल पार्टनरशिप, और जिन्होंने उसको छक्के मारे दो नवाज को बीच में, वो टर्निंग पॉइंट लगा मुझे, फिर विराट को वो मजबूती मिली हो, और जो विराट के दो छक्के मारे 19 ओवर में दर्शाता है वो दिमाग बहुत सॉलिड बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि बहुत दिन से जिस तरह की विराट की, हालांकि देखिए विराट कोहली है तो रन तो वो बना ही लेते हैं गाहे बगाहे, लेकिन मैच के लिए अपनी टीम के लिए आज जब राहुल और रोहित शर्मा आउट हो गए थे उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे इंडियन फैंस को ये भरोसा रहा होगा कि हम इतना बड़ा टारगेट लेंगे, और 10वें ओवर में जब हम कहीं पे भी आसपास नहीं नजर आए तो लगा कि अब तो खत्म, लेकिन विराट कोहली ने न सिर्फ अपना विश्वास वापस हासिल किया है बल्कि लोगों का भरोसा वापस कायम किया है, और इसीलिए आज की जो ये पारी है वो इतनी ज्यादा अहम और इतनी ज्यादा याद रह जाएगी सबको, और इसीलिए जो हम 6 खिड़कियां इस समय आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें दीपावली की वो खिड़की भी आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ में वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां आज अयोध्या के दीपोत्सव में आज वो जगमग करके 17 लाख दीप रोशन होंगे। एक तरफ मेलबर्न दिखा रहे हैं आपको जहां पर अब तो भारतीय फैंस ने भी निकलना वहां पर शुरू कर दिया है, क्योंकि सब इंडियन फैंस जो भी जीतने वाली टीम होती है उसके दर्शक जो होते हैं वो अंदर बैठे रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो वेट करते हैं कि क्या पता जाते हुए कोई खिलाड़ी नजर आ जाएगा, हारे हुए फैंस पहले चाहते हैं कि निकल जाए वरना बड़ी गालियों का सामना करना पड़ता है। आपने जैसे कहा ना कि 70 लाख दीप जलाए, तो यहाँ पे तो 15 दीप इधर भी जले हैं, वो भी काउंट कर लीजिए साथ में, और जो दीप की लो होगी ना काफी विशाल होगी, जिस तरह से विराट ने परफॉर्मेंस किया है तो ऊपर वाले को भी पता है किस तरीके से दिवाली है छोटी, तो आज उन्हें तोहफा दिया पूरे हिंदुस्तान को। अच्छा, आज विराट कोहली ने कहा कि मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, हार्दिक ने मुझे कहा कि हम लास्ट तक जा सकते हैं, विराट कोहली मतलब ये माइंडसेट क्या उनका? देखिए माइंडसेट है कि देखिए क्रिकेट में होता क्या है, सुरेश को भी मालूम है कि क्रिटिकल एक पॉइंट्स आते हैं जो आ गया था उसको उन्होंने कंट्रोल किया, इसका मायना पता है क्या कि इज मेंटली वेरी टफ, यू नो दोनों जाने उन्हें जो आपस में जो भी इन्होंने कम्युनिकेशन हुआ होगा, mentally they are very strong, that's why they won the game. एक दो बार ये तो हुआ कि भाई दो रन लेने हैं और नहीं दौड़े वो, नहीं बहुत अच्छा पॉइंट है कि वही पार्टनरशिप है, क्योंकि जब विराट ने बोला कि नहीं हो तो हार्दिक आया, वही कम्युनिकेशन बोलते हैं, जब मिड ऑर्डर में बैटिंग करते हो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है कि विराट किसको अटैक कर सकते हैं कितना टाइम, और आपको जो ब्रेक मिलता है ना वो 10 सेकेंड का, उसमें प्लान बी रेडी होता है, उसमें प्लान सी रेडी होता है, अगर एक प्लान ए फेल होगा बी होगा सी होगा तो बैट्समैन पे बहुत सारा है, और इतने सारे वर्ल्ड कप के मैचेस खेले तो उनको पता है कि कहाँ की स्टेज में आप मैच जिता सकते हो, इसीलिए विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, और ये अंडरस्टैंडिंग कमाल की नजर आई। विक्रांत आवाज आ रही है अगर आपको तो, विक्रांत जी आप कमाल है, आवाज आ रही है आपको और आपके पास इंडियन फैंस भी हैं, तो जरा अभी तक हम दूसरा हिस्सा सुन रहे थे लेकिन इंडियन फैंस को सुनना चाह रहे हैं हम, अरे बहुत पिक्चरें खिंचा रहे हो आज आप, इंडियन फैंस तो है ही है, इंडियन फैंस तो देखिए यहाँ पे नाच वहाँ पे चल रहा है, मेरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि बड़ा रेयर है इनके लिए, दिवाली से पहले की बात है ना, अभी आप देखिए इनसे पहले आप कहाँ जा रही है, बहुत मजेदार मैच था और मुझे यकीन नहीं हुआ इंडिया आज कैसे जीत गई, आई एम सो एक्साइटेड, बहुत मजा आया मैच देख के। आप लोगों के लिए तो दिवाली भी थोड़ी जल्दी आ गई, जल्दी बहुत जल्दी, इतने पटाखे पूरे हमारे अंदर, ओह माय गॉड आई कांट एक्सप्लेन, सारे भगवान को हमने दिवाली के पहले ही याद कर लिया, आज हमारी दिवाली आज बन गई, हैप्पी दिवाली।
मैं थोड़ा और आगे, आप भी वहाँ पे बैठ के जी। What a match! It was like full of miracle. बहुत मजा आया, एकदम पैसा वसूल। सब पैसा ही वसूल कर रहे हैं। फाइनल से भी बढ़िया, फाइनल से भी बढ़िया, फाइनल से भी बढ़िया। फुल फुलॉन एंटरटेनमेंट। बस हमारा स्टोरी स्टार्ट हुआ था, बैट एंड बॉल से रेस्टोरेंट था वो देखा, तो वहाँ से हमको स्ट्राइक हुआ कि हमको मैच देखना, दैट वाज आवर ड्रीम, वो तो फर्स्ट। चलो योर ड्रीम्स कम ट्रू। आइए आइए हिमांशु आगे चले। विराट ने अपनी पुरानी फॉर्म जो थी उनकी दोबारा लौट के आई है, और फॉर्म में वापस नहीं आए, उन्हें बूंदियां उड़ा दी है और अच्छी तरह से सेंसिबल बैटिंग दोनों की। हार्दिक पांड्या बेस्ट इनिंग्स थी मेरे ख्याल से, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट विराट जी। स्पाइट ऑफ की वेदर बहुत मतलब चैलेंजिंग था, जैसे लग रहा था कि बिल्कुल ही आप मतलब बारिश होने वाली है और चेंजेस आए जी, आप फेवर होगा स्पेशली लास्ट ओवर में टेंशन बहुत था, लेकिन वो वाइड आ गई लास्ट सेकंड लास्ट बॉल में, वो ही जीता दी हमने आज, वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। बारिश है, बारिश बारिश, चलिए 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 सर, जैसे वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग थी उसके सामने आज हमने मैच जीत लिया, हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आगे वर्ल्ड कप। बड़े एक बात बताऊं मैं आपको, अभी वर्ल्ड कप बाकी है, यही गलती शायद इंडिया पाकिस्तान दोनों कर रहे थे। जो ओपनर है ना, देख के देख के देख के देख, जो ओपनर है वो अभी भी बहुत ही स्लो स्टार्ट कर रहे हैं। पप्पा जी कितना, ये देखिए इधर इधर क्या जश्न मनाया जा रहा है, ये सारे कोहली कोहली। मैं सेल्फी लेनी थी फोन में, मेरी बैटरी डेड हो गई। मैं चलो कोई विक्रांत, मुझे लगता है भीड़ में आप फिर अपने कैमरा पर्सन से बिछुड़ गए, लेकिन यही होती है बात कि आपका मतलब विराट कोहली ने मतलब 100 का तो कीर्तिमान रच दिया है, जगमग रौनक यहां पर कम नहीं है। नितिन अभी भी नाच रहे हैं लोग, किसी को फील ना हो आगे वाले, बिल्कुल नाच रहे हैं और जोश का होने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पर। मुझसे लगातार ये पीछे पीछे से मुझे कह रहे हैं कि भारत की इस जीत में हमारा भी बहुत बड़ा रोल है, और बिल्कुल है, क्योंकि फैंस ही जो है वो हमारे खिलाड़ियों की ताकत होती है। हमने देखा कि किस तरीके से जब फैंस अपने खिलाड़ियों को जो है वो चेयर अप करते हैं, एक अलग ही रोमांच हो जाता है। और यहाँ पर भी ये जो जश्न है जीत का, वो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस जीत को लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब मैं तो कहूंगा कि आज तक मैंने ऐसा इतना अच्छा मैच कभी नहीं देखा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के की जो खूबियां हैं उनके बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ जब स्क्रीन के आप तस्वीरें देख रहे थे वो दीपावली के पटाखे नहीं थे, क्योंकि वो एक दिन पहले छोड़े जा रहे हैं, वो भारत की जीत के जश्न के पटाखे हैं। जिस तरीके से आज टीम इंडिया खेली है, वाकई क्रिकेट की सबसे पुरानी कहावत मुझे लगता है सुरेश ये रहती है कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। बिल्कुल यही चीज दिखाया है विराट ने आज। नहीं वो तो टेम्पररी तो मैंने कभी देखा नहीं, उनकी फॉर्म खराब है। जब खराब भी थे तो 50 रन बना रहे थे, 60 रन बना रहे थे, 70 बना रहे थे, 100 नहीं बना रहे थे, लेकिन उनका ऐसा स्टैंडर्ड हाई कर दिया उन्होंने। 100 नहीं बनाएंगे तो हम स्विच ऑफ कर, जैसे सचिन तेंदुलकर पारी जब खेलते थे 100 बनेगा नहीं, हर मैच में 100 बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि हम इतने साल खेले हैं कि कभी आपका लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट विराट ने जिस तरीके से गेम को कंट्रोल किया 21 बॉल पे 12 रन के बावजूद, आप देखिए किस तरह से हम लास्ट बॉल पे मैच जीते हैं, तो ये दर्शाता है किस तरह का माइंडसेट है। और मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड कप का ये मैच, और हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पहला मैच जो पाकिस्तान से हम जीते हैं ये सेट करेगा टोन की, और टॉप फोर हम ऐसे पहुंचेंगे बहुत बड़ी उम्मीद होगी मुझे। वोंट बी सरप्राइज कि ये वर्ल्ड कप हम फाइनल तक ना पहुंचे। ये बैट अपना कैरी करना 2020 के इनिंग्स में, जहां पर आपको तरह तरह के प्रलोभन मिलते हैं गेंदों के कि आप उसको किसी भी तरीके से हिट कर दें, ये अपने में बड़ी चीज हो जाती है, बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए ये सब चीजें जो है ये स्किल की प्रैक्टिस ये नेट्स पे भी करते रहते हैं, कौन सा शॉट कैसे मारना है, किधर मारना है, तो इम्प्रोवाइजेशन जिसको हम कहते हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव है उनके ऊपर, विराट कोहली ने जो ये मारा ये इतने साउंड शॉट नहीं होते, ये बड़े ग्राउंड है उधर, बड़े ग्राउंड है वहां पे पावर लगती है, और स्पेशली व्हेन यू आर द मैच इन अ वेरी टाइट सिचुएशन,
क्योंकि हमारे तो आपको पता है ना कि एक आधा बार आउट हो जाओ तो लोग पीछे ही पड़ जाते हैं। बट डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये जो इनिंग है विराट कोहली की, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि ये वन ऑफ द बेस्ट मैं समझता हूँ कि बड़े मज़ा आया उसकी इनिंग को देख के। वाकई में एक कोई वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन खेल रहा है। मैं माइकल क्लार्क को सुन रहा था, ही वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज जीनियसनेस कि हाउ ही इज प्लेइंग द दिस शॉट। ऑल में रहते हैं सारे खिलाड़ी, ऐसा तो दिखता है, चाहे पूर्व हो चाहे प्रेजेंट हो। लेकिन एक तरह से हम कहें कि इंडियन टीम जब भी किसी टूर्नामेंट में जाती है, पिछले अगर हम 15 सालों को ही ले लें, तो हमेशा आप सबसे मजबूत दावेदार जरूर रहते हैं। अब जिस तरह से हम जीते हैं, टोन सेट कर दिया हमने टूर्नामेंट का, दूसरी टीम डरी होगी डेफिनेट, जिस तरह से चेस किया, जैसे पाजी ने बोला, बड़े ग्राउंड एक कंट्रोल किया और ऐसी स्टेज से जीते हैं मैच, जहाँ पे बिल्कुल एक टाइम पे जब मैच देख रहे थे 79% पाकिस्तान के फेवर में था गेम, कौन जीतेगा। बिल्कुल जिस तरीके से हार्दिक की, अभी तो रोहित, केएल और सूर्या का फॉर्म जब लगेगा टीम के साथ विराट के साथ, क्योंकि आई वोंट बी सरप्राइज कि विराट कोहली हो सकता है मैन द टूर्नामेंट बने इस वर्ल्ड कप में। युवराज सिंह बने 2007 में वर्ल्ड कप लेके आए, इस साल बनेंगे विराट कोहली और वर्ल्ड कप लेके आएंगे। और एक बार और कहना चाहूंगा कि ये 2020 क्रिकेट आप लाइट मत लेना, कोई भी टीम, यू नो, ये इवन मिनोज जो खेल रहे हैं, जो क्वालिफाई करके आए, इनका कोई पता नहीं है, क्योंकि किसने सोचा था वेस्ट इंडीज की टीम बाहर हो जाएगी। सही बात है। और उस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जैसे वेस्ट इंडीज हो, श्रीलंका हो, ये जो 9-10 नेशन है, इनको डायरेक्ट एंट्री मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चाम चला जाता है, वेस्ट इंडीज चलेगी तो ऐसे लगा खाली खाली लगता है। बट दूसरों की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, डस्ट टीम देखिए क्वालिफाई करे, वो सारे खेल रहे हैं, वो आपस में खेले, आयरलैंड भी अच्छा कर रही है, फिर नामीबिया ने अच्छा किया, यूएई देखिए कितना अच्छा फॉर्म में है वो, तो ये बताता है कि 2020 क्रिकेट अराउंड द ग्लोब कितने सारे हो रहे हैं और कितना बड़ा बड़ा टैलेंट आ रहा है। नहीं, तो जितना 2020 क्रिकेट हो रहा है, क्या मतलब हम आप अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है टॉप फोर में भी कोई ऐसी टीम चली जाए? यू नेवर नो, बिकॉज जैसे पाजी ने बोला कि 2020 मैच आप लाइट नहीं ले सकते, तो हम नेदरलैंड्स के मैच को लाइट ले या नहीं ले? बिल्कुल नहीं, हर मैच इंपॉर्टेंट है, आपको हर मैच जीतना है। जैसे आपने पहले शो में बोला, बारिश भी होगी, रन रेट भी मैटर करेगा। जैसे पहला मैच जो अभी ऑस्ट्रेलिया हारी है, जो पहला मैच जीती है न्यूजीलैंड, का रन रेट बहुत अच्छा चले गया, जो भी मैच वॉश आउट हो एक पॉइंट मिलेगा, तो रन रेट ही बचाएगा उन टीम को। ये सब जितने मैच हम खेलेंगे, मेक श्योर कि हम अच्छा फिनिश करें, अच्छा ज्यादा रन बनाएं, और जब उनको आउट करें तो ज्यादा विकेट गिरा के डिफेंड करें टोटल, तो बनेगा मोमेंटम। सारी तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं इसमें जरूर, ये तो कुछ देर पहले की है, राम की पैड़ी अयोध्या की ये तस्वीर, जहां पर आप दीप लगाते देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको जश्न भी नजर आएगा। वो जश्न इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे आपको भले ही वहां पर आप काम लगा रहे हैं, आप दिए दीपक जला रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि इंडियन टीम वहां पर जीत गई है, पाकिस्तान को हरा दिया है, बाबर आजम की टीम आज हारी है। जय श्री राम के आशीर्वाद से हुआ है। नहीं तो लोग यही बात कर रहे होंगे वहां पर, मुझे लगता है कि अगर अयोध्या वासियों से इस समय पूछा जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी पता लग गया होगा। बिल्कुल, उन्होंने भी एक दीप जलाया है उधर, देखिए वो विराट दीपक है, वो जिस तरीके से उसकी जो लोभ बढ़ रही है ना आगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रधानमंत्री की भी दुआएं लगी। और इसके से आज के दिन से मुहिम की शुरुआत हुई है, तो हम ये समझे कि मतलब आगाज ऐसा है तो अंजाम बिल्कुल वर्ल्ड कप के साथ ही हो, होना भी चाहिए, होना भी लंबा समय हो गया। बिल्कुल सही कह दिया आपने, क्योंकि देखिए जीत जो होती है ना, मैं समझता हूं कंट्री को बहुत लिफ्ट अप करती है ये, हमेशा जीत का जो, मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि जब आप जीतो ना, आप उसको एंजॉय जरूर करिए, बिल्कुल, ताकि आपको पता रहे कि जीत होती क्या है। बिल्कुल, नहीं तो अगर जीत को आप, कई बार होता है ना कि क्वाइटली आप निकल गए, बट जीत को एंजॉय करना, मैं चाहूंगा कि आज इंडियन टीम एंजॉय करे, क्योंकि इतना बड़ा बाहर जो निकला है इनके पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतना, तो यू नो जीत का, जब जीतते हो तब सेकंड मैच में आप जाते हो, हाँ ये मैच हमने जीता, और सक्सेस का एंजॉयमेंट बहुत जरूरी, नहीं तो आदमी फेल होता है तो उसको सक्सेस का वो चाह नहीं पता चलता, जब इतना एंजॉय करता है पता चलता है कि जो फेल होंगे तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, तो बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, एंजॉय करेंगे टीम इंडिया वाले। देखिए इंडिया में टीवी सेट नहीं टूटते हैं, वो पाकिस्तान में हुआ करता था, और वो पुराने वाले टूटते हैं, अब वो वहां पुराने वाले टीवी सेट खत्म हो चुके हैं, इसीलिए अब वो मुबारकबाद भी दे देते हैं। लेकिन भारत में त्योहार का समय था तो उसे फीका नहीं होने दे सकता था कोई, और इसीलिए ये जो जीत मिली है ये जबरदस्त मिली है, और भारतीय टीम को अब जो अपना अगला मुकाबला खेलना है वो नेदरलैंड से खेलना है। पाकिस्तान पर जीत के साथ आपने शुरुआत कर दी, लीग का रास्ता आसान हो गया है। बिल्कुल, पहला मैच होता है जब टूर्नामेंट के, वो पाकिस्तान के साथ, जैसे पाजी ने बोला कि टीम का मॉल है, लेकिन किसी को लाइट नहीं ले सकते। अब देखेंगे वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर रही, उधर आयरलैंड अच्छा खेल रही है, यूएई अच्छा खेल रही है, डच टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया नीदरलैंड ने, उसके बाद देखिए श्रीलंका खुद एक मैच आ रही है नामीबिया से, तो पूरा जो मॉल है ना, क्योंकि पर्टिकुलर डे आपका जो होगा आपको अच्छा खेल, क्योंकि बड़े ग्राउंड है यहाँ पर, वो कोई गलती करोगे आप लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि बीच में बारिश भी आएगी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये हर मैच को आप ये वन गेम एट ए टाइम खेलो, जितना बेटर रन रेट होगा, जितना बेटर फॉर्म में रहेंगे,
तो बहुत जरूरी है कि हर टीम दाव लगाएगी, मेहनत करेगी, बट आसान मुकाबला होगा बिल्कुल जिस तरीके हमारे फॉर्म है। लेकिन फॉर्म में आने के लिए विराट अच्छी फॉर्म में, लेकिन ऊपर के तीन बैट्समैन को फॉर्म में आना पड़ेगा। वो रन होंगे बोर्ड में, आप प्रैक्टिस में अच्छी फील लेते हो, लेकिन जब मैच स्टार्ट होता है ना, जब 90,000 दर्शक आते हैं, टीवी में 50 कैमरा आपके चेहरे पे होते हैं, वो प्रेशर होता है, वो आपको फील करना है प्रेशर। अगर इंडिया को मैच जिताना है तो सब 11 के 11 को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, जो 2007 में हमने किया 2020 वर्ल्ड कप में। जो अभी तो चलिए बैटिंग हमने करके वो चेज करके और एक बहुत अच्छा मैच जीत लिया, लेकिन गेंदबाजी भी अच्छे संकेत दे रही है। दे रही है, बट मेरे मैं समझता हूँ कि अभी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आप एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो रन हमने लास्ट में आके करवाए हैं, मैंने जो टोटल कहा था ना 140, तो ये टोटल जो होना चाहिए था 120-125 के करीब। जैसे हम बॉलिंग कर रहे थे, जैसे हमने शुरुआत की, जैसे हमने उनको बैकफुट पे लेकर जब आए, तब मैच ना हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार हाथ डर तो लगा था एक बार, ऐसा नहीं एक बार कई बार लगा था, डर नहीं लगा, कई बार दिल की धड़कन घबराहट हुई थी, फिर लास्ट ओवर भी यहाँ ही आके देखा बट लगा। बट ये डेफिनेटली यू नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आपको लेग स्पिन, जैसे सुरेश ने कहा भी लेग स्पिन आप सोच सकते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल ज्यादातर इन विकेटों के ऊपर, हो सकता है कि गेंद अंदर आते नहीं। बिल्कुल अच्छा पॉइंट बोला पाजी ने, शादाब का स्पिन हो रहा था बॉल, रात को ड्यू गिरी, थोड़ा ठंडा था वो, उनको पता है चहल को, और ऋषभ पंत का होना, दो चेंज मुझे लगता है जैसे पाजी ने बोला ऋषभ पंत का होना, कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ते हैं, तो विनिंग मुझे लगता है एक मैच और मिलेगा जब बड़ी टीम होगी ना। ऐसा नहीं, देखिए आपकी बेस्ट टीम खेलनी चाहिए, ये है सारे बेस्ट है, मैंने कहता कि डीके बेस्ट नहीं, वाकई ऐसा नहीं है कि डीके खराब है, इसलिए आपको ऋषभ चाहिए, वो तो बेस्ट ही है, आपको ऋषभ इसलिए चाहिए क्योंकि ऋषभ थोड़ा सा और बेहतर है, क्योंकि उसको गेम का सेंस अच्छा है। डीके 3-4 अच्छा करता है, जैसे वो आउट हो गया, अगर मान ली खुदा ना खास्ता वो मैच हार जाते तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि उस तरीके में अगर लेफ्टी होता तो 3 बॉल में 3 छक्के मार देता वो, और बहुत जरूरी है। और ये बात रोहित शर्मा को पता है कि उसको अगर 4 खिलाना है सूर्या को, तो 5 को उसको खेलना ही पड़ेगा। आज भी अक्षर पटेल आया उधर बैटिंग करने, हो उसको ऊपर मौका मिला हो, तो अनुमान मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैच में उसका इंपॉर्टेंट रोल खेलना। सडनली पता क्या हुआ, जब विराट एंड हार्दिक बैटिंग कर रहे थे, तो उसके बाद जब वो बाकी बैट्समैनों को दिखा रहे थे, लग रहा था यार ये वो अभी तो कोई बैट्समैन है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कहना बीच में होना बड़ा जरूरी है। विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा, मतलब वैसे मैं अभिनेत्री अनुष्का शर्मा बोलती, लेकिन विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने उनको एक बहुत लंबा प्रेम पत्र लिख दिया है इंस्टाग्राम पर, अंग्रेजी में लिखा है, तस्वीरों के साथ उन्होंने इसे पोस्ट किया है, तो इसे जरा मैं पढ़ दूं। उन्होंने लिखा है कि यू ब्यूटी, यू फ्रीकिंग ब्यूटी, यू हैव ब्रॉट सो मच जॉय इन पीपल्स लाइव्स टुनाइट एंड दैट टू ऑन द ईव ऑफ दीपावली, यानी कि क्या खूबसूरत पारी आपने खेली और दीपावली के दिन को और ज्यादा रोशन कर दिया। यू आर अ वंडरफुल वंडरफुल मैन माई लव, योर गर्ल, योर ग्रिट, डिटर्मिनेशन एंड बिलीफ इज माइंड बॉगलिंग। मतलब वो मुझे लग रहा है कि वो भी अपने दोनों हाथ जोड़कर देख रही होगी मैच। और आखिर में उन्होंने लिखा कि आपकी जो दृढ़ता है, जो आत्मविश्वास है, वो बिल्कुल अकल्पनीय है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा मैच देखा है, मैं ये यकीन से कह सकती हूं। और भले ही हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है, ये समझ पाने के लिए कि क्यों उसकी माँ इस तरीके से नाच रही थी, इस तरीके से चिल्ला रही थी, एक दिन उसे समझ में आएगा कि उसके पिता ने अपनी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ पारी उस रात खेली थी। और वो एक ऐसे दौर के बाद आया था जो कि उन पर बहुत मुश्किल था, लेकिन वो उससे बाहर निकले और मजबूती के साथ बाहर निकले, एंड वाइजर देन एवर बिफोर, यानी पहले से ज्यादा समझदार होकर निकले हैं। मुझे गर्व है आप पर, आपकी शक्ति अंतहीन है और मेरा प्रेम आपके लिए अंतहीन है। लव यू फॉर एवर एंड थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि किसी कोई कैसे भी हालात हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अच्छा, बड़ी बातें हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगा, वेरी टचिंग है, बहुत अच्छा लगा। सोशल अच्छा मीडिया से आसान भी होता है ना सर, फौरन आप लिख देते हैं अपने दिल के उद्गार, थॉट्स जो एकदम निकल कर आते हैं। तो अनुष्का शर्मा ने भी ये चिट्ठी लिखी है इंस्टाग्राम पे विराट कोहली के नाम पर, और मुझे लगता है कि ज्यादातर जो क्रिकेट के जितने भी हिंदुस्तान में फैंस हैं, वो सब इसके एक एक शब्द के साथ इस समय अपनी बात को रखना चाह रहे होंगे, क्योंकि जैसे सबके दिल की बात उन्होंने कह दी है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए एक समय ऐसा भी आया था जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी उन्हें किया जाता था, मतलब हंसी मजाक में भी और उस तरीके से भी, विराट कोहली भी उस समय खड़े रहे, लेकिन आज अनुष्का शर्मा भी कह रही है कि चाहे किसी भी तरह के हालात हो, मैं आपके साथ खड़ी हूं। और उसके साथ अब आप एक तरफ आतिशबाजी,
जो कि भारतीय जीत के लिए है, और दूसरी तरफ अयोध्या का वो अभी वो शांत आपको वातावरण दिख रहा है, जहां पर दीपों की जो पंक्तियां हैं यानी दीपावली वो आपको नजर आ रही है अयोध्या के राम की पैड़ी पर सरयू घाट के नजदीक, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया है वहां पर मौजूद लोगों को। 17 लाख दीपों को एक साथ जलाकर एक नया कीर्तिमान रचने की वहां पर तैयारी है। जब से शुरुआत हुई थी 51,000 दीपों से अभी तक 17 लाख तक एक लंबा दौर चला है। एक साथ सभी दीपों को रोशन करना होता है, ये जरूरी होता है। लेकिन फिलहाल जो इसकी बात हम कर रहे हैं वो बीचों बीच जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो खचाखच भरी हुई सड़कें देख रहे हैं और जो लोगों का जश्न देख रहे हैं जो कि खत्म नहीं होगा। देखिए 2011 में वर्ल्ड कप हमने जीता था और फाइनल के बाद ऐसी तस्वीरें इससे ज्यादा, क्योंकि वो भारत में था, इससे ज्यादा तस्वीरें आप देखते थे जो कि होटल की लॉबी तक पहुंच गई थी आपके। और देखिए 2011 और 1983 दोनों हमारे सामने हैं इस समय, जहां पर लॉर्ड्स में वो भीड़ आ गई थी, या फिर मुंबई में जो लॉबी तक आप लोगों के लिए चलने के लिए जगह नहीं थी। बिल्कुल, ये लोगों के लिए ये जश्न बड़ा अहम होता है। नहीं बिल्कुल, ये खुशियां लाते हैं और अच्छे त्यौहार पे आपको खुशियां मिलती है। मुझे लगता है इससे एक यूनिटी बढ़ती है, टीम बॉन्डिंग बनती है और लोगों का दुआएं लगती हैं लोगों को। और जैसे जब पाजी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीते 83 में, तो उस टाइम में मैं पैदा भी नहीं हुआ था वो जब मैंने सोचा कि मैं 2011 वर्ल्ड कप की टीम में होगा तो वर्ल्ड कप लेके आएंगे दोबारा, उससे पहले 2007 में। श्रेय होता क्या है कि देखिए जब आप कुछ चीज़ जब अच्छी होती है, जैसे हमने जीता, फिर आपका एक मुद्दा बन गया। बिल्कुल नहीं, हमने भी जीतना है, हमने भी वर्ल्ड कप जीता। जैसे सचिन ने कई बार कहा था कि हम भी वर्ल्ड कप जीतेंगे, तो वो जब थॉट चले जाते हैं ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब आप खेलते हैं तो वो पूरा होता है आपका। ऐसा नहीं है कि डिले जरूर हो सकता है, हाँ। पर पूरा जरूर होता है। रोहित शर्मा तो ऐसे मेंबर जो कि 2007 के वर्ल्ड टी20 में खेले थे, उन्होंने टच किया है वो इस ट्रॉफी को। तो कितने वर्ल्ड कप, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, फिर बीच में दुबई में जो वर्ल्ड कप हुआ 2020-19, तो उनको पता है वर्ल्ड कप में कैसे। और 2000 जो उन्होंने अभी वर्ल्ड कप खेला इंग्लैंड में 2019 में 5 शतक बनाया, वो तो बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है और आईपीएल का मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन भी है। अगर आप बात करेंगे ट्रॉफी की वाइज, एग्जैक्टली उसको पता है कि इस ट्रॉफी की अहमियत क्या है, वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। जिस तरह से बीच में आपने देखा वो ऐड दिखाया जब एक पूरा बस में पूरी इंडियन टीम थी 2007 में, किस तरीके से एक माहौल बना था, जैसे 83 की जब टीम वर्ल्ड कप जीती, फिर 2007 में जीते, फिर 2011 में जीते और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप देखेंगे कोई ट्रॉफी आई नहीं है हिंदुस्तान में, सिर्फ हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं, हम फाइनल खेल रहे हैं। और ये टीम ऐसी है कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल खेले भी और ट्रॉफी जीत के लेके भी आए तब मजा आएगा, क्योंकि हमारे पास बेस्ट टीम है, बेस्ट फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो रही है, इतना बीसीसीआई स्पेंड कर रहा है मनी। तो मुझे लगता है कि ये टीम अगर जीतेगी तो हमारी 3-4 टीमें और रेडी होंगे जो ये एम करेगी कि हमें आने वाला वर्ल्ड कप जीतना है। नहीं, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब आप जीते हैं तो आपकी गेम भी तो ग्रो कर रही है ना। बिल्कुल, बिकॉज लॉट ऑफ किड्स यू नो जो छोटे बच्चे हैं वो खेलते हैं, वॉच करते हैं, वो भी देखते हैं कि अपने हीरो हैं उनके, वो मैं भी ऐसा बनूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, आप ग्रो देखो किया है हमने। बिल्कुल, आज इंडियन क्रिकेट के जब हम खेलते थे तो ये जितने भी फॉरनर टीम्स हैं ये हमने उन हालातों में खेला जिन्हें जो आपको पता है भी मारा तो स्लिप से गाली निकाल रहे हैं या मेडाउन मेडाउन से गाली निकाल रहे हैं। अब वही देखो, वही जितने भी सारे हमारी कंट्री की तरफ देखते हैं, ये खुशी मिलती है कि आज हमारी कंट्री में जितने भी फॉरनर हैं यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, और यही बड़ी चीज होती है ना कि आपकी टीम में अगर एक कोई परफॉर्म नहीं करे या दो नहीं परफॉर्म करे तो एक कोई है जो अपना हाथ उठा दे कि आज मैं करूंगा। एक टीम वर्ल्ड कप में है, दूसरी अभी साउथ अफ्रीका हरा के हटी है, तो बी टीम बोला जा रहा है, लेकिन वो भी सारे टॉप 100 मैच खेल चुके हैं। शिखर धवन कप्तान थी, बड़ी अच्छी कप्तानी करी उन्होंने, तो बताता है कि वो एक टीम और रेडी हो सकती है। तो ये टैलेंट आया हुआ है, क्योंकि आप देखिए छोटे छोटे शहरों से, अर्शदीप सिंह बड़ी प्यारी फैमिली से हैं, गरीब फैमिली से, लेकिन किस तरह का परफॉर्मेंस किया उन्होंने, आजम को आउट किया, उसके बाद रिजवान को आउट किया, तो दर्शाता है कि क्या माइंड सेट है वो, क्योंकि दुआओं का भी असर है। पूजा हो रही है और अच्छी दीपावली पे, अच्छे शुभ अवसर पे एक तोहफा मिलना हमारे देश को तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि आज बहुत सारे प्लेकार्ड्स दिख रहे थे मिस यू बुमराह के नाम से, पर शमी के आने से पेस अटैक आपको अलग दिख रही है। आज मेरे को ना मोहम्मद शमी, लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरे को थोड़ा रस्टी लगा है, पर आई एम होप नेक्स्ट मैच अच्छी गेंद की उन्होंने, जो विकेट निकाला बड़ा क्रूशियल विकेट निकाला है, पर कई बार होता है क्योंकि आप बड़े दिनों के बाद आ रहे हैं तो आपकी वो जो लय है वो एक आधा मैच लग जाता है आपको। अब नेट पे भी बॉलिंग करेंगे, अब मैच में की है, अगले मैच में आप बेटर देखोगे उसको और ज़्यादा बेटर देखोगे, तो ये चीज़ें थोड़ी सी वक्त जरूर लगता है, क्योंकि दोबारा स्टेप अप करना टीम के अंदर
बहुत जरूरी है वो थोड़ा प्रेशर एडेड प्रेशर आता है नहीं तारीफ करने की भूवी की जिस तरीके से नया बॉल डाला तीन ओवर में सिर्फ गेंद बाहर निकाला है वो बिल्कुल वही जो आप बात कर रहे थे और अच्छे माइंडसेट से लग रहे थे पाजी अच्छा रनअप लग रहा था अच्छा पेस आ रहा था और शामी ने जो क्रूशियल विकेट लिया लेकिन मुझे लगता है स्पिनर के डिपार्टमेंट में अश्विन ने अच्छा बॉलिंग किया बट उनको ये कोई अगर ऐसे अटैक करता है तो मुझे लगता है कि स्पिनर का रिस्ट स्पिनर होने का बहुत जरूरत है एक और बात है इसमें ना देखो हमारी बॉलिंग ने हमेशा रेज किया अपने आप को जब भी कभी ट्रैवल करती है ना उन्होंने अपना स्तर उठाया है इंडियन विकेट पे बॉलिंग करना वहाँ पे बॉलिंग करना टोटली डिफरेंट तो उन्होंने उठाया है और इसीलिए आप जो जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं इंडियन टीम के एक आप कहेंगे कि पहला मैच था टूर्नामेंट का कई सारी ऐसी चीजें थी जिसकी जरूरत भी महसूस हुई और जिसकी गुंजाइश भी अभी लग रही है लेकिन टूर्नामेंट जैसे जैसे अगर आप जीत के साथ शुरुआत करते हैं तो वो धीरे धीरे आप टूर्नामेंट जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं उसके साथ आप वो चीजें भी अपनी सही कर सकते हैं बीच में एक ऐसा मैच होना जो कि नेदरलैंड से होना वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि हम जो चेंजेस की बात कर रहे हैं उससे शायद बिल्कुल कर सकते हैं और एक बड़े मैच के बाद आपको दूसरी टीम मिलती है लेकिन अभी वर्ल्ड कप लीग मैचेस चल रहे हैं आप जितने ज्यादा मैच जीतोगे लीग फेसेस पे तो नॉकआउट के लिए बेटर होगा क्योंकि आने वाले मैच में बारिशें होनी है वो तो दो पॉइंट लेके आप आगे बढ़ो बढ़ते रहो बस वो क्योंकि जिस मैच में बारिश होगी फिर आप ये मैचेज मिस करो यार हम लोग अच्छा खेल सकते थे उसमें 40 रन और एक्स्ट्रा बना सकते थे जब हम डिफेंड कर रहे थे 40 रन से जीत सकते थे तो मैटर करेगी क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया हारी है पहला मैच तो वो भी बेटर प्लान से आएंगे उसके बाद देखेंगे कि जो भी श्रीलंका के मैचेस हो रहे हैं इंग्लैंड अभी अच्छे मार्जिन से जीती अफगानिस्तान के साथ तो कोई भी स्टेज में आप ढीले पड़ोगे नहीं क्योंकि बारिश विल प्ले द इम्पोर्टेंट रोल कि रन रेट भी आएगा फिर आपको आप देखेंगे कि जो ज़्यादा रन बना सकता है क्योंकि फॉर्म में आने के लिए एक बैड गेम है आप कि दोबारा कमबैक नहीं है वर्ल्ड कप लीग मैचेस में क्योंकि अगर आपको टॉप फोर में आना है आपको ये गेम खेलना पड़ेगा एवरी टाइम यू स्टेप ऑन द फील्ड इंडिया की जर्सी पहनोगे तो आपको ये गेम ही खेलना आप दूसरा अप्रोच से खेल ही नहीं सकते आप क्योंकि सामने हर एक टीम आजकल लीग्स भी इतनी सारी हो गई हैं कि हर एक टीम को एक्सपोजर उतना ही होता है आपको मालूम है कि कैसे अप्रोच करना है कैसे टारगेट हासिल करना है कैसे टारगेट सेट करना है हाँ बिल्कुल ये डेफिनेटली देखिए जब इतना आपको एक्सपीरियंस है आईपीएल है बड़ी बड़ी लीग है लीग्स हो रही हैं तो उसमें सिचुएशन से गुजरते हैं सारे प्लेयर ऐसा जब गुजरते हैं तो उनको आइडिया रहता है अब जैसे आपने रोहित शर्मा की बार की भी उन्होंने बेस्ट कैप्टन रहा आईपीएल के तो उनको आइडिया तो है उनके पास क्योंकि उन्होंने किया हुआ है तो वो मैटर करता है जाकर हम अगर देखिए विराट कोहली और धोनी की कैप्टनसी का बहुत कंपैरिजन हुआ है कि एक कैप्टन कूल और एक अग्रेसिव इसमें रोहित कहाँ फिट आते हैं क्योंकि एक के बाद एक सक्सीड किया है एक दूसरे को सबने रोहित शर्मा की कैप्टनसी का हाई पॉइंट क्या है आई थिंक उनका जो टीम में एक रेस्पेक्ट है ड्रेसिंग रूम में जो उनका एक कम्युनिकेशन है वो लीडर है एक्चुअली वो बाहर भी लीडर है अंदर भी लीडर है वो क्योंकि मुझे हमेशा आई ऑल्सो ऑलवेज फेल्ट कि उनका कम्युनिकेशन बहुत बेटर है वो प्लेयर उनकी रेस्पेक्ट करते हैं अगर मैं उनके साथ बैठा हूँ तो उनको पता है कि कब वो अवेलेबल है कब बात करते हैं ऐसे धोनी भाई भी थे वो रूम खुला रहता था आप आओ कुछ उनसे दर्शाना मतलब है कुछ करना रहे है खिलाड़ी उनके पास एडवाइस के लिए क्योंकि टीम गेम है शोता आपको वो ये टीम बॉन्डिंग जरूरी पाजी ने बहुत अच्छी बात बोली आप जीते हो तो सक्सेस को एंजॉय करो आज आपको कैसे पता चलेगा कि सक्सेस क्या है फेलियर क्या रूम में चले गए या फिर ऐसे बैठे हुए हो जब सुबह जाओ तो छाती चौड़ी करके आप इंडिया पाकिस्तान का मैच जीते हो अभी टोन में क्योंकि इंडियन टीम के जितने प्लेयर ये सुपरस्टार हैं हमारे पूरे ग्लोब में वो कि दे ब्रिंग लॉट ऑफ जॉयस टू ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया आप देखोगे ब्रांडिंग उनका अलग है एवरी ब्रांड इज अ डिफरेंट प्लेयर आप देखोगे इतना हिंदुस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन आसान नहीं होता क्योंकि जब आप हारते हो ये सब मैचे आपको फैन बोलते नहीं आप अच्छा खेले कोई बात नहीं हम आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं नेक्स्ट मैच आप अच्छा करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ऐसे बड़े मैच खेलते आज आज की कैप्टनसी रोहित की क्योंकि हाई प्रेशर मैच में एक जो पॉइंट जो था मैंने उन्होंने अक्षर पटेल को बॉल नहीं कराया वो हाईएस्ट पॉइंट था कि एक खराब ओवर के बाद रन पड़ गए थे तो वहाँ ये मैं समझता हूँ कि हाईएस्ट पॉइंट था बाकी ये है कि कैप्टन का थोड़ा सा और ज्यादा अच्छी करना उनकी अपनी फॉर्म का रहना भी बड़ा जरूरी है बिल्कुल देन यू लीड फ्रॉम द फ्रंट बट सुरेश ने जो कहा कि देखिए अगर कैप्टन ऐसा है कम्युनिकेशन अच्छी करता है टीम को साथ लेके चलता है तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप वर्ल्ड कप नहीं ना जीतो बिल्कुल तस्वीरें देखिए आप अयोध्या की देखिए वो सारे दीप एक साथ जल गए हैं और क्या अद्भुत नज़ारा नजर आता है उधर छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लेकर भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं और ये सरयू के घाट पर राम की पैड़ी जहाँ पर दोनों ओर जगमग रोशनी ही रोशनी इस समय दिख रही है जगमग है पूरा का पूरा
घाट, और दूसरी तरफ वो क्रिकेट टीम का जश्न, लोगों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये डबल जश्न की बात हो गई है, उत्सव, डबल उत्सव मनाया जा रहा है। एक जो सबने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा जो मेलबर्न में हुआ है, जो जादू, जो मेलबर्न का मैजिक रहा है, और दूसरी तरफ देखिए अभी कुछ देर में जो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली टीम रहती है वो गिनती करके बता देती है कि इतने दिए एक साथ जल रहे थे, इसके लिए ड्रोन वगैरह सब लगे रहते हैं, सबकी व्यवस्था होती है और वो काउंटिंग होती है कि कितने दीप एक साथ जल रहे हैं। 22,000 वॉलंटियर्स इस बार लगाए गए थे, क्योंकि आसान नहीं होता है उस एरिया में आपको, क्योंकि कोई कुत्ता बिल्ली दौड़ जाता है जरवाज से और उसके बाद वो दीप टूट जाते हैं, तो आप उन टूटे हुए दीपों के लिए भी एक बैकअप रखते हैं। बहुत प्लान तरीके से दीपोत्सव का आयोजन होता है कि वो सारे 17,00,000 दीप एक साथ जगमगाएं। पिछले के पिछले साल घरों में भी दीप लगाए गए थे जब संख्या बढ़ाई जा रही थी, लेकिन इस बार क्या किया गया है कि कतारों को ही बढ़ा दिया गया है उन दीपों की। यहां पर हम क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं, अभी जिस तरीके से इंडियन टीम ने जीत हासिल की है, मैं चंद सवाल और ले लेना चाहूंगी आप लोगों से, वो ये कि विश्व कप में जो भारत की ये जबरदस्त जीत हुई है, जो ये रोमांचक जीत हुई है, ये हमारे सामने बाकी चुनौतियों वाली टीमों को अगर हम इस समय देखना चाहें, हम ठीक है वन मैच एट अ टाइम होता है हमारा लक्ष्य, लेकिन हम उन बड़े खतरों को भी देखते हैं जिन जो हम टारगेट कर रहे हैं कि आगे चलकर बहुत बड़ी चुनौती दे सकते हैं। एक न्यूजीलैंड, हालांकि ग्रुप की बात हम अभी कर रहे हैं, लेकिन ये सारी टीमें बहुत बड़ा चैलेंज दे सकती हैं। बिल्कुल देंगी, और मुझे लगता है टीम से ज़्यादा चैलेंज बारिश देगी, क्योंकि बारिश होने वाली आ गया, बहुत सारा ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश आएगी, बट हर गेम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लीग फेसेस में खेल रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से आपका माइंड सेट है। लेकिन जो आज जीत मिली है उससे बड़ा मनोबल बढ़ा है भारत की टीम का, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा आने वाले टाइम में, तो मुझे लगता है कि टीम को बहुत शुभकामनाएं और ऐसी परफॉर्मेंस करते रहें और ऐसे इंजॉय करते रहें। बिल्कुल सही कहा, एंजॉय करते रहें, परफॉर्मेंस देते रहें, ये सबसे अच्छी बात इन्होंने की है, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे आप जब जाते हैं तो आप जीतने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, जीतने के लिए इतना बड़ा वर्ल्ड कप, मैं समझता हूँ कि हर ईच एंड इंडिविजुअल जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, अपना किरदार निभाना पड़ता है। आज विराट ने किया, कल कोई और हीरो होगा, परसों कोई और होगा, शायद बॉलर हो सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर आप ऐसे चलते हैं ना आपकी टीम, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ ठीक है, ऊपर गेम है, इसमें ऊपर नीचे होगा क्योंकि 2020 क्रिकेट है, इसमें कुछ पता नहीं लगेगा, बट ऊपर नीचे होगा, बट अगर आप ऐसे परफॉर्म करते रहे तो फिर छोटी दिवाली पर सुरेश के घर पार्टी है, पार्टी तो है? अब उन्हें जाने देते हैं, लेकिन हम यहाँ क्रिकेट की बात अपनी इनको तभी रोक के रखा हुआ है। नहीं, उत्सव मनाना चाहिए सबको, बिल्कुल बिल्कुल, बोलकर उत्सव मनाना चाहिए। आप तो खुशी से मनाएंगे, बड़े खुशी खुशी नहीं, बिल्कुल खुशी से मनाएंगे। वो दिल्ली में पटाखे बैन हो गए, उसका भी नियम का पालन करना पड़ेगा क्योंकि काफी धूल हो रही है, काफी स्मोक है, तो पटाखों की आवाज चला सकते हैं आप? नहीं, वो वैसे रॉकेट जलाएंगे, वैसे वो सीटी मार लेंगे ऐसे करके। वो जो आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम तस्वीरों को, जो जश्न की तस्वीरें हैं, उन्हें एक बार फुल फ्रेम दिखाएं अपने स्क्रीन पर। इस समय ये अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दीपोत्सव में देखिये टारगेट जो किया गया है वो 17,00,000 किया गया है, लेकिन जो मिनिमम है उनका 15,00,000 भी अगर यहां पर जल जाएं, उन्होंने यही सोचा था कि 15,00,000 भी जल जाएं तो एक बहुत बड़ी चीज रहेगी। तो अयोध्या पे राम की पैड़ी की ये तस्वीरें और साथ में भारतीय टीम के जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखाते। देखिए, वहां पर घोषणा भी यही हो रही है कि काउंटिंग होनी है, काउंटिंग ज्यादा से ज्यादा होनी है, और इसीलिए जो वॉलंटियर्स जला देते हैं वो वहां पर बैठे नहीं रह सकते, उन्हें पीछे हटना होता है, निर्धारित समय होता है जितनी देर ये दियों को एक साथ जलना चाहिए। अब ये अयोध्या से लाइव तस्वीरें और दूसरी तरफ मेलबर्न में क्रिकेट टीम के जीत की तस्वीरें। आज क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से जीत हासिल की, एक तरफ पाकिस्तान की टीम जिसके बहुत बड़े बड़े दावे थे, दूसरी तरफ भारत की टीम जिसमें वर्ल्ड कप के बाद
पिछले बार जिस तरीके से हम हारे उसके बाद उनके मंसूबे ज्यादा बढ़ गए थे। फिर वही सुपरहिट मुकाबला, फिर वही टीमें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कांटे की टक्कर। भारत को न सिर्फ पिछले साल की हार का बदला लेना है बल्कि इस साल वर्ल्ड कप की दावेदारी मजबूत भी करनी है। इस मैच से जुड़ी हर खबर एक्सक्लूसिव सीधे ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। फटाफट से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।